हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डिफ्रेंशिएशन की सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए हम आज डिस्कस करेंगे आपसे डिफ्रेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं हम देखते हैं अभी। तो इम्प्लिसिट फंक्शंस आपके वो फंक्शंस होते हैं जिनमें आप एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई या वाई को इन टर्म्स ऑफ एक्स नहीं लिख सकते हैं। जिन फंक्शंस में आप x को इन टर्म्स ऑफ y लिख दें या y को इन टर्म्स ऑफ x लिख दें उनको बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शंस। बट जैसे मैं आपके सामने एक लिखता हूं इक्वेशन बराबर 3, तो यहां मैं चाहूं तो y को इन टर्म्स ऑफ x लिख सकता हूं, जैसे yx इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स स्क्वेयर एंड y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स। यहां हम देख रहे हैं कि मैंने y को इन टर्म्स ऑफ x लिख दिया है, तो ये जो आपका फंक्शन है ये आपका कहलाएगा एक्सप्लिसिट फंक्शन। ओके, बट जिस फंक्शन में मैं y को या x को इन अदर वेरिएबल की फॉर्म में नहीं लिख सकता हूँ, जैसे मैं बहुत सिंपल सा लिखता हूं एग्जांपल y इक्वल टू साइन x प्लस y। अब यहां से बात करते हैं प्लस एक्स वाई स्क्वेयर प्लस वाई एक्स, तो अब यहां से चाहे तो आप एक्स और वाई को अलग अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप चाह के देखें अगर बाई चांस की कॉमन लेकर है तो वाई को आप इन टर्म्स ऑफ एक्स नहीं लिख सकते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा आपका इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो आज डिस्कस करने वाले हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे होता है। इनका तो इजीली हम देख सकते हैं, इसका हो जाएगा बाय डिवाइड रूल। तो आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो शुरू करते हैं, यहां पर हमने एक एग्जांपल लिया है जो आपका इम्प्लिसिट फंक्शन का एक एग्जांपल है, इसको मुझे करना है डिफरेंशिएट। तो बड़ा ही इजी सा कॉन्सेप्ट है, इसमें आपका देखेंगे जो एल एच एस आपका है वो एक प्रोडक्ट फॉर्म में आपको दिया हुआ है, तो इसको करने के लिए आप यूज करोगे बाय प्रोडक्ट फॉर्मूला, इसको आप करोगे बाय यूजिंग चेन रूल। तो इसको आप यूज करेंगे तो आपको फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन एज्यूम करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, इफ वाई इज इक्वल टू ए इंटू बी, तो वाई डैश इज इक्वल टू ए डैश बी प्लस ए बी डैश। तो पहले करेंगे आप पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड आपका एलटीज, फिर आप करेंगे सेकंड का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट आपका एलटीज। तो फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट का करेंगे तो आपको एक्स का वन, सेकंड आपका एलटीज प्लस, अब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन नहीं करना है, सिम रखना है, और सेकंड करेंगे तो इट इज डी वाई ओवर डी एक्स। नाउ साइन, इसका कॉस, इस साइन के लिए एक्स क्या है कि पूरा इसके लिए एंगल काम कर रहा है, इसका कर दिया, अब ये साइन का हो गया। अब करेंगे आप इस वाले फंक्शन का, तो ये प्लस में है कोई दिक्कत नहीं, एक्स का वन, वाई का आपका हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। अब इसमें आप देख रहे हैं कि डी वाई ओवर डी एक्स मुझको फाइंड आउट इसमें करना था कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो इसमें आपका dy ओवर dx आपका जो है वो दो प्लेस पर आ रहा है। अब करना क्या है आपको, इन दोनों प्लेसेस से इसको एक पास ला करके इसको कॉमन लेकर के आपको लिखना है, तो y प्लस x dy ओवर dx इक्वल टू, इसका इसमें इंटू कर देते हैं, तो cos x प्लस y प्लस cos x प्लस y इंटू dy ओवर dx। अब आप इस टर्म को इधर ले आएंगे एंड टेक कॉमन डी वाई ओवर डी एक्स, कॉमन लेंगे आप तो एक्स है तो इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, दैट इज कॉस एक्स प्लस वाई, इधर आपका ये बचा हुआ है कॉस एक्स प्लस वाई, ये जो आपका वाई है इसको आप उधर ट्रांसफर कर दीजिए माइनस वाई। तो आप देखेंगे आप यहां से इजीली आपको मिल जाएगा डीवाई ओवर डी एक्स, तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई माइनस वाई अपॉन
ये पूरा टर्म आपका कौन जाएगा अपॉन में, दैट इज x माइनस कॉस x प्लस y। तो ये जो आपको मिल गया है इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो इम्प्लिसिट फंक्शंस का जब करेंगे डिफरेंशिएशन तो आपको प्रोडक्ट रूल, चेन रूल, डिवाइड रूल जो मिले उसका वैसे ही आप सिंपली कर ले जाओ। ध्यान रखना है आपको कि इस पे जितने प्लेसेस पर आपको dy ओवर dx मिलेगा आपको वहां वहां से उसको एक पास ला करके कॉमन लेना है, कॉमन लेकर के आपको dy ओवर dx की वैल्यू आज फाइंड आउट कर देनी है। अब हम देखते हैं एक और एग्जांपल जिससे आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा। नाउ वी आर टेकिंग अनदर एग्जांपल ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। सिंपल सा एग्जांपल हमने लिया है, यहां भी आप x और y को अलग अलग नहीं कर सकते हैं, तो इसको शुरुआत करते हैं। देखो पहला जो फंक्शन है वो आपको दे रखा है इनटू में, तो यहां पे आप क्या यूज करोगे प्रोडक्ट रूल। कैसे करते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, पहले करेंगे आप फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो क्या मिलेगा वन, सेकंड फंक्शन आपका एज इज, नाउ फर्स्ट आपका सेम, अब होगा वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, क्योंकि इसमें आपका पावर है तो पहले पावर को आगे ले आइए, एक पावर कम कर दीजिए, पावर का हो गया, अब होगा y का, दैट इज dy ओवर dx प्लस, यहां पर अगेन इट इज इन प्रोडक्ट फॉर्म, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट का करेंगे x स्क्वायर का 2x, पावर आगे आ गई, एक पावर कम हो गया, x का करेंगे तो 1, नाउ y आपका सेम प्लस, अब x स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन दैट इज dy ओवर dx एक्स वाई, यहां पर अगेन आपको मिला है प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट का करेंगे तो वन, वाई सेम, और फर्स्ट सेम, सेकंड का डिफरेंशिएशन डिवाइड ओवर डीएक्स प्लस कांस्टेंट का टर्म का आपको मिलेगा जीरो इक्वल टू जीरो। तो हमको फाइंड करना था यहां पर डीवाई ओवर डीएक्स क्या होगा, तो अब आपको देखना है कि डीवाई ओवर डीएक्स इसमें कितने प्लेसेस पर आपका आ रहा है, सेकंड प्लेस एंड थर्ड प्लेस, तो तीन जगह पर इसमें आपको मिल रहा है डीवाई ओवर डीएक्स, तो तीनों जगह से आप इसको कॉमन ले लीजिए। सिंपली मैंने आपने डाल कर दिया इसको, यहां बचेगा आपका टू एक्स वाई, यहां बचेगा आपका एक्स स्क्वायर, और यहां बचेगा आपका केवल एक्स, ठीक। अब बचे हुए को आप उधर करो, ट्रांसफर कर दीजिए, ये आपका सिंपली वाई स्क्वायर है, उधर जाकर हो जाएगा ये आपका माइनस वाई स्क्वायर, ये हो चुका है, इट इज माइनस टू एक्स वाई, टू एक्स वाई, इट इज माइनस वाई, तो अब यहां से माइनस कॉमन लेकर के लिख दीजिए इसको वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई, ये जो आपका पूरा टर्म है इसको आप भेज दो अपॉन में, इट इज टू एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहां बचेगा आपका डीवाई ओवर डी एक्स, तो यही हमको फाइंड आउट करना था इसमें। तो इम्प्लिसिट में क्या है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, जैसा दिख रहा है उसको वैसे ही आप करते जाओ, चेन रूल से, डिवाइड रूल से, प्रोडक्ट रूल से, जो भी आपको मिलता जाए तो वैसे उसको करते जाओ। बस ध्यान रखना है कि जितने प्लेसेस पर आपको इसमें डीवाई ओवर डी एक्स मिल रहा है वहां वहां से उसको एक तरफ लेकर के कॉमन लेना है, और बाद में उसकी वैल्यू को हमें फाइंड आउट कर लेना है। आई होप कि तुमको समझ में आया होगा, और यदि कोई प्रॉब्लम है आपको तो कमेंट बॉक्स बना सकते हैं आप, और ये तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के बता सकते हैं जिससे हम उसको दूर कर दें। थैंक यू, हैव ए गुड डे, सेफ।